करते हैं और स्वागत भी करते हैं। हमने दिल्ली का निवेदन करके करते दिल्ली महादेशी गवर्नर से मैं रामले समिति के मुख्य संरक्षक राजकुमारी से निवेदन करूंगा, तालियां जोरदार तरीके से बजनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे जिला अध्यक्ष आई राजीव राणा, वो भी हमारे बीच में जनता आ जाएगी मंच पर। मैं रवि अग्रवाल से निवेदन करूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भाई रविंदर चौधरी जी हैं, उनसे निवेदन करूंगा दीदी का स्वागत करेंगे। अजय चौधरी से निवेदन है, दीदी का स्वागत करेंगे। बाकी सब लोग बैठे का मैं निवेदन करूंगा दीदी से। देखिए स्वागत भी करेंगे, बबीता सिंह जी भी बैठे हमारे बीच में, सभी प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं। लेकिन दीदी को आगे जाने दिए समय जी समय जी नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन काशी शुरुआती से कि दीदी हमारा ये हनुमान जी से बहुत चरणों में प्रार्थना है, आपने आके हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दी है, इसलिए हम एक बार सब बैठ जाएंगे फोटो दीदी की लेंगे। दीदी अब जाओ एक खींच लो। जय श्री राम। बोल पवन सुत हनुमान की जय। आप सभी को आज देखे भैया 108वां हनुमान चालीसा ही नहीं बल्कि आज तो इतना शुभ दिन है, चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और विक्रमी संवत का दिन है हिंदू नववर्ष का। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को विक्रमी संवत 2081 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जगदम्बा के आशीर्वाद से और यहाँ हनुमान जी के दरबार में बैठे हैं तो स्वयं नारायण नारायणी भगवान श्री राम माता जानकी और बजरंग बली की आपका आने वाला साल सुख शांति समृद्धि आरोग्यता धन धान्य से परिपूर्ण हो। 108वीं हनुमान चालीसा है, यहाँ आई तो किसी ने लाड से कहा कि बेटा मांग लो जो मनोकामना है। मैंने कहा बजरंग बली के द्वार पे क्या मांगू जो बिन मांगे झोली भर देता है। पर हाँ ये जरूर है तो ईश्वर भक्त को भी भगवान बना देता है। निषाद राज की बात करते हैं, अपनी नैया में उन्होंने भगवान श्री राम और माता जानकी को नदी पार करवाई थी। वो नारायण और नारायणी जो मानवता को भवसागर से तरवा देते हैं जब लीला करते हैं तो उनको भी नदी पार करने के लिए भक्त की आवश्यकता होती है। और हनुमान जी के द्वारे एक ऐसे परम भक्त, ऐसे परम राम भक्त जिन्होंने जब सीना चीर के दिखाया तो माता जानकी राम और लखन वहीं विराज रहे थे। मेरी अर्जी कहीं पहुंचे या ना पहुंचे, कहते हैं कि अगर हम हनुमान जी से अर्जी लगवाते तो राम तक कानों तक वो बात पहुंच जाती है। इसीलिए मैं नारायण से नारायणी से भगवान राम या माता सीता से या हनुमान जी से कुछ नहीं मांग रही, लेकिन हाँ यहाँ बैठी जो भक्त संगत है इनसे जरूर आशीर्वाद मांग रही हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद अचूक होगा।
आपका आशीर्वाद मुझे मिलेगा तो मैं जानती हूँ मेरी अर्जी नारायण के कानों तक अपने आप चली जाएगी। आपसे सेवा का आशीर्वाद मांग रही हूँ, आपसे कर्म का आशीर्वाद मांग रही हूँ, आपसे विजय का आशीर्वाद मांग रही हूँ। और इतना जरूर कहूंगी, सुषमा स्वराज के संस्कारों का सार हूं, आजमा कर देख लीजिएगा, निराश नहीं करूंगी। पिछली बार आई थी तो हनुमान चालीस का अंतिम दोहा पढ़ा था, आज हनुमान जी के बीज मंत्र से जरूर इस अपनी वाणी को विराम दूं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति दीदी निवेदन है हमारे समिति के लोगों का, वो कह रहे कि शिव कांगन एक बार हमें जरूर सुना दीजिए। तो आपसे नहीं मिलता नहीं भागेगा दीदी, हम तो सारे मतलब चलेगा। दीदी से हम निवेदन करेंगे, आपने यूट्यूब पे देखा होगा दीदी ने शिव कांगन जो है, और मैं गवाहों का छोटा था जब सुषमा जी से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम थे, उन्होंने भी सुनाया था और वही संस्कार दीदी के अंदर है। और मैं हमारी समिति के लोग निवेदन कर रहे हैं, एक बार दीदी से मैं जरूर निवेदन करूंगा कि 107वां जो हमारा पाठ था लास्ट सत्र के अंदर, जिद्दन हूँ, एक बार जिद पकड़ लेती हूँ तो फिर वो मनवा के मांगती हूँ। अब आप देख लीजिए इसका असर कहीं और कितना बढ़िया पड़ेगा। पांच बरस की थी जब श्रीमती सुषमा स्वराज ने मेरी माँ ने विराजमान मूर्धनी धगत 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 जबल्लला टपट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु मंदुला स्फूर्ति गंध संतति प्रमोद बान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि, क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि, क्वची दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। नमो पार्वती पतयः हर हर महादेव। आगे से आप हमें आदेश करेंगे तो आपसे हम आपसे निवेदन करेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा दीदी आप यहाँ आए, दीदी बहुत मधुर स्वभाव की, बहुत सरल हंसमुख और सभी लोगों से बड़े स्नेह से मिलती हैं। कोई भी कार्यकर्ता मिलना चाहता है जब मर्जी मिल सकता है। हम दीदी का धन्यवाद करते हैं, एक ही समय निकल के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो भी फोटो भी दोनों वीडियो बना दो वीडियो।
जय श्री राम।